नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे बिहार फायरमैन भर्ती के बारे में। बिहार के अंदर एक फायरमैन की बहुत ही बड़ी भर्ती होने वाली है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। कितनी टोटल पोस्ट है, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट बांटी गई है, एज कितनी होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा मेल एंड फीमेल, लास्ट डेट कितनी होगी और स्टार्टिंग डेट क्या होगी फॉर्म की, तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें स्टेट के बारे में, तो बिहार स्टेट के अंदर जो पोस्ट है फायरमैन की वो निकाली गई बिहार स्टेट में। उसके बाद टोटल जो पोस्ट है फायरमैन की वो कितनी है, तो टोटल पोस्ट है 2380 टोटल पोस्ट है फायरमैन की बिहार के अंदर। उसके बाद है पोस्ट की अगर हम बात करें, तो पोस्ट है फायरमैन की, फायरमैन जो है उसकी पोस्ट है 2380 बिहार के अंदर। अगर हम बात करें कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो पोस्ट है बांटी गई है, तो उनके बारे में भी जानते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, एससी एसटी के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी पोस्ट बांटी गई है। तो सबसे पहले आता है जनरल, यूआर जो कैटेगरी जो होती है, इसके लिए बिहार सरकार ने फायरमैन की 957 पोस्ट रखी है। उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो टोटल 238 पोस्ट रखी है बिहार सरकार ने फायरमैन के लिए। उसके बाद आता है बीसी, बीसी के लिए टोटल पोस्ट है 268। ईबीसी की अगर हम बात करें तो ईबीसी के लिए है 419 पोस्ट टोटल फायरमैन की बिहार में। और बीसी फीमेल की अगर हम बात करें तो 97 पोस्ट फायरमैन की निकाली गई है। एससी कैटेगरी की हम बात करें शेड्यूल कास्ट के लिए, तो उसके लिए है 378 टोटल पोस्ट। एसटी के लिए टोटल पोस्ट है 23, और अगर हम इनको टोटल करें जोड़ करें तो टोटल कितनी होती है, 2380 पोस्ट होती है फायरमैन की बिहार के अंदर। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले आता है हाइट। हाइट की अगर हम बात करें, जनरल और बीसी कैटेगरी के लिए कैंडिडेट जो होते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर फॉर्म के जो अप्लाई कर रहे फायरमैन के लिए उसकी। कौन कौन सी, जनरल और बीसी के जो कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं ईबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट, तो उसकी जो हाइट है वो कितनी, 160 सेंटीमीटर रखी गई है। तो 5 सेंटीमीटर को उनके अंदर जो है छूट दी गई है। फिर उसके पश्चात आता है चेस्ट, चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट रखा गया है जनरल और बीसी कैटेगरी के लिए 81-86 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुलाव के साथ में कितनी होनी चाहिए, 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल और बीसी के कैंडिडेट की। उसी के साथ में हम बात करें ईबीसी एससी और एसटी कैंडिडेट की चेस्ट के बारे में, तो ये है 79-84 सेंटीमीटर, ये होगी किस किस की, ईबीसी एससी और एसटी। ये ओनली मेल कैंडिडेट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो मेल कैंडिडेट जो होंगे ईबीसी एससी और एसटी के उसकी चेस्ट रखी गई है 79-84 सेंटीमीटर। फिर अगर हम बात करें रनिंग दौड़ के बारे में मेल में, तो 1600 मीटर की जो दौड़ है वो टोटल 6 मिनट के अंदर उसको क्लियर करनी होगी। अगर आप 6 मिनट से पहले क्लियर कर देते हैं तो आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 50 नंबर आपको मिलेंगे फिजिकल के अंदर, अगर आपने 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट से पहले कर दी है तो। उसी के साथ में गोला फेंक की अगर हम बात करें, तो 16 पौंड का जो गोला है वो 16 फीट आपको फेंकना है, तो उसके लिए भी नंबर रखे गए हैं 25 मार्क्स। इसी के साथ में लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें मेल के अंदर, तो लॉन्ग जंप जो है वो 25 नंबर क्या है और 4 फीट आपको करना है, ठीक है। लॉन्ग जंप जो है वो 4 फीट और उसके भी नंबर रखे गए हैं 25 मार्क्स। उसी के साथ ये तो था मेल है और हम बात करें फीमेल के बारे में, तो फीमेल जो फायरमैन है उनके लिए ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है
जो कि फायरमैन के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनकी जो हाइट रखी गई है वो होगी 155 सेंटीमीटर। चेस्ट उनकी नॉट अवेलेबल, चेस्ट जो है वो नहीं रखी गई है। उसी के साथ अगर हम रनिंग की बात करें तो 1 किलोमीटर की जो दौड़ है उनको 5 मिनट के अंदर क्लियर करनी होगी। फिर जो मेल कैंडिडेट थे उनके लिए 16 पाउंड का गोला फेंक था, लेकिन इसके अंदर 12 पाउंड का गोला फेंक है। मेल के अंदर 4 फीट लॉन्ग जंप था, लेकिन फीमेल के अंदर कितना है, 3 फीट लॉन्ग जंप है। तो टोटल जो मार्क्स हैं जो मेल के अंदर रखे गए हैं, जैसे 50 नंबर जो हैं वो किसके हैं, रनिंग के, सेम उसी प्रकार से फीमेल के अंदर भी 50 नंबर दौड़ के रखे जाएंगे। गोला फेंक के 25 नंबर और लॉन्ग जंप के लिए 25 नंबर, तो उसी प्रकार से फीमेल का जो फिजिकल होगा उनके अंदर भी मार्क्स 25-25 रखे गई हैं गोला फेंक और जंप के लिए। ठीक है, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्लस टू पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 12वीं पास वो कैंडिडेट जो फायरमैन की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 12वीं पास होना जरूरी है। अगर हम बात करें एज की तो एज जो रखी गई है 18 से 25 साल तक हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी वाले, जो जर्नल और बीसी कैटेगरी है उनके लिए। साथ ही और भी बहुत सारी एससी एसटी जो कैंडिडेट है उनके लिए एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो वो भी अपना देख ले। अगर हम बात करें लास्ट डेट के बारे में तो लास्ट डेट होगी फॉर्म की 25 मार्च 2021, फॉर्म स्टार्टिंग डेट होगी 24 फरवरी 2021। तो ये थी बिहार फायरमैन के अंदर जो पोस्ट निकली हुई है वो। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी कोई पॉइंट रह जाता है तो आप साइट के ऊपर जाकर के इनको चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।